हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। बेघर होने के बाद दिलजीत कौर ने बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट्स के बारे में किए चौंकाने वाले खुलासे। सलमान खान के टीवी शो बिग बॉस 13 का दूसरा वीकेंड का वार दिलजीत कौर के लिए बेहद ही खराब रहा है। वो इस घर से बेघर होने वाली पहली कंटेस्टेंट रही, ऐसे में उनके फैंस इस बात को लेकर काफी दुखी हैं। लेकिन एक्ट्रेस ने अपने बेटे जेडन के पास लौटने की खुशी भी जाहिर की। वहीं घर से बेघर होने के बाद हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने घर वालों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे कर दिए। उन्होंने जहां सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला को बताया, तो वहीं कई घर वालों को फेक भी बता दिया। दिलजीत कौर ने बयां की कई सारी बातें, तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है दिलजीत कौर ने। दिलजीत कौर खुद सबसे पहले एलिमिनेट होने पर हैरान है। उनका मानना यह है कि वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। उनका कहना है कि वो घर में बेहद ही शालीनता के साथ खेल रही थी और डिजर्विंग कैंडिडेट थी। वहीं एक्ट्रेस ने घर के अंदर बने रिश्तों को फेक बताया है। उन्होंने कहा है कि घर में रिश्ता लोग अपनी सहूलियत और फायदे के लिए बना रहे हैं। दिलजीत ने कहा कि शुरुआती स्तर पर घर का फॉर्मेट काफी अलग था। वो यहाँ स्प्लिट्सविला खेलने नहीं आई थी और ना ही झूठा प्यार या रिश्ता बनाने, जिससे उनको दिक्कत भी हुई थी। एक्ट्रेस ने घर के अंदर बन रहे पारस, शहनाज, शेफाली, सिद्धार्थ के रिश्ते को भी फेक बता दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि ये लोग घर वालों को और दर्शकों को बेवकूफ बना रहे हैं और झूठे रिश्ते के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि घर में सिद्धार्थ शुक्ला सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हालांकि वो मानती हैं कि उनका गुस्सा उनके खिलाफ जा सकता है, लेकिन सिद्धार्थ सबसे मजबूती से खेल रहे हैं। दिलजीत ने कहा कि शहनाज जैसा खुद को दिखाती हैं, बच्ची जैसी वैसी वो है नहीं। वो काफी शातिर हैं और उनका कहना है कि वो काफी मैनिपुलेट करती हैं। वहीं सिद्धार्थ डे के लिए एक्ट्रेस ने कहा कि सिद्धार्थ डे का अपनी जुबान पर काबू नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं। दिलजीत ने कहा कि कोयना घर में किसी की मदद नहीं करती, बल्कि उल्टा बॉस बनकर रहती हैं। उनका एटीट्यूड उनको काफी परेशान करने वाला था। इसके अलावा दिलजीत कौर ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की दिल खोलकर तारीफ की। वो कहती हैं कि सलमान खान एक जेंटलमैन हैं और उन्होंने जेडन का बहुत अच्छा ध्यान रखा है। वेल, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी है आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स के जरिए बताना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।